आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसको कहते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल, आप यदि कॉन्स्टिट्यूशन का बैरक खरीदोगे तो पहले पेज पर, सबसे पहले पेज पर जो चीज होगी उसको कहते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल को आप इस तरह से मान लो, आप में से कुछ लोग शायद किताबें वगैरह पढ़ते होंगे, नॉवेल्स पढ़ते होंगे, या और भी दूसरी तरह की किताबें पढ़ते होंगे, तो उनके बिल्कुल शुरुआत में बुक का मेन कंटेंट शुरू होने के पहले एक प्रीफेस होता है या फोरवर्ड होता है, या फिर नॉवेल्स की लैंग्वेज में हम कहें तो एक प्रोलॉग होता है। देखा होगा आप सभी ने, आई एम श्योर। वो उसी तरह का एक पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है जिसे हम कहते हैं प्रियम्बल। सो लेट अस जस्ट क्विकली सी हाउ आर प्रियम्बल लुक्स लाइक। आपको शायद स्क्रीन पर एक प्यारी सी फोटो दिख रही होगी जिसमें सबसे ऊपर हमारा एम्बलम है, अशोक स्तंभ वाला। तीन शेर दिख पा रहे होंगे, हालांकि वो तीन नहीं, चार शेर हैं, बट क्योंकि फिगर 2D है इसलिए सिर्फ तीन शेर देखते हैं। ये फोटो आपने नोटों में देखी होगी, स्टाम्प पर देखी होगी, और भी जहां जहां गवर्नमेंटल चीजें होती हैं उसमें ये सिंबल यूज होता है। उसके ठीक नीचे अशोक चक्र है, ये देखिए आप, अशोक चक्र दिख रहा होगा। ये अशोक यस चक्र में 24 स्पोक्स होते हैं और यही अशोक चक्र हमारे नेशनल फ्लैग के बीचों बीच ब्लू कलर में आपको दिखाई देता है ना? सभी ने नेशनल फ्लैग देखा होगा। प्यारी सी बात लिखी हुई है, सत्यमेव जयते, द ट्रुथ शैल प्रिवेल, हमारे नेशन का सर मोटो है, ये हमारा ध्येय वाक्य है। ऑल राइट, एंड दिस इज टेकन फ्रॉम मुंडकोपनिषद। ये क्वेश्चन भी कभी कभार प्रिलिमिनरी में आता है, मुंडकोपनिषद से ये हमारा ध्येय वाक्य, ये मोटो सत्यमेव जयते लिया हुआ है। ऑल राइट, यस आइए सर अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन इस एक्सट्रीमली 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 इम्पोर्टेंट पार्ट से। लेट मी क्विकली रीड द एंटायर प्रीएम्बल फर्स्ट एंड देन वील ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल टर्म यूज्ड इन दिस प्रीएम्बल। ऑल राइट, सो लेट मी क्विकली रीड दिस। वी द पीपल ऑफ इंडिया Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Fine. Sovereign, socialist, secular, democratic republic. And to secure to all its citizens justice. Three types of justice are provided there: social, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ। प्लीज मेक करेक्शन, देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक। ब्रीफ लिखा हुआ है, दैट इज बिलीफ। ओके, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वेलिटी, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग दम ऑल फ्रेटर्निटी। इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग दम ऑल फ्रेटर्निटी। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिट लिखा होगा। प्लीज मेक अनदर करेक्शन, ये फिर से टाइपो एरर है। इट इज यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ कंट्री। ओके, इट इज यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। यूनिट नहीं है, यूनिटी है। प्लीज मेक दैट करेक्शन। इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होगा। सो अगेन देर इज अ टाइपो एरर, इट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट
एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये है हमारा प्रीएम्बल। एंड लेट मी टेल यू ऑल, ये बहुत 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 जरूरी एक पार्ट है, इसीलिए आप कोशिश करिएगा कि धीरे धीरे आप इस प्रीएम्बल को बाय हार्ट लर्न कर लें, एक एक टर्म, एक एक सेंटेंस जो इसमें लिखा हुआ है उसको आप धीरे धीरे याद करने की कोशिश करें। आप रोज उसे पढ़ेंगे तो 2-5-10 दिन के बाद ये प्रीएम्बल आपको याद हो जाएगा। ऑल राइट, आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि ये है क्या, क्या लिखा हुआ है, क्यों ये सब बातें हैं, मतलब व्हाई दिस प्रीएम्बल, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस प्रीएम्बल, क्यों इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे कुछ एक सवाल आपके दिमाग में शायद आ रहे होंगे। क्या है प्रीएम्बल, क्यों है प्रीएम्बल, क्यों ये इसे रखा गया है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले हम कुछ बहुत क्विक पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अगेन देयर इज अ टाइपो एरर हियर। कुछ पॉइंट्स टू रिमेम्बर है प्रीएम्बल के बारे में, जिनको हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय पंडित नेहरू इन दिसंबर 1947 नहीं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन केम इन 1946, राइट? So please make this correction into your notes. Objective resolution 1946 में आया था, हमने discuss किया था कि objective resolution was a resolution which made a draft or template कि हमारा constitution जो आगे बनने वाला है वो किस तरह का होगा, उसका basic structure कैसा होगा। Objective resolution was basically determining the aim and objective of the constituent assembly, that what is the primary aim tha constitution banana, but jo constitution wo assembly banayegi wo kis tarah ka hoga, aisa ek basic structure taiyar kara gaya jisko hum kehte hain objective resolution, and our constitution is majorly based on that objective resolution। ठीक है, तो उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड है ये प्रीएम्बल। आपको प्रीएम्बल पढ़ के लग रहा होगा कि ये एक तरह की सिनॉप्सिस या समरी है उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1950। ठीक है, ये डेट आप याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पीछे जाते हैं, एक डेट यहां पर लिखी हुई है, 26th day of November 1949, 26 नवंबर 1949। इस डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनेक्टेड ऑन 26th day of November 1949। ठीक है, इस डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। सारे जितने प्रोविजंस हैं, सारे आर्टिकल, सारे शेड्यूल, ये सब कुछ इस डेट तक आ गया था। लेकिन आखिरी पार्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया 22 जनवरी 1950 को, वो था प्रीएम्बल। ठीक है, तो yes, ये sir. बाद में जुड़ रहा है। और एक डेट और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जो इसके ठीक 4 दिन बाद आती है, 26 जनवरी 1950, दैट इज द डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। रिपब्लिक डे मनाते हैं, आप सभी ने लड्डू खाए होंगे उस दिन पर, कुछ लोगों ने परेड वरेड भी देखी होगी। 26 जनवरी, yes, को हमारा रिपब्लिक, yes, है ना, 26 जनवरी को। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, बट उसको फोर्स में लाया गया 26 जनवरी 1950 को। द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई
26 जनवरी की डेट क्यों रखी गई कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट करने के लिए? तो 26 जनवरी की डेट रखी गई थी टू कॉमेमोरेट द हिस्टोरिक लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस का एक सेशन होता है लाहौर में, द डेट वॉज 26 जनवरी, और उस डेट को कांग्रेस वर्किंग कमिटी ने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, और उस सेशन के प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित नेहरू के सजेशन पर 26 जनवरी 1950 की डेट रखी गई, ताकि वो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाला जो कांग्रेस का सेशन था लाहौर सेशन, उसको हम हमेशा याद रख पाए। तो आई होप कि अब आप सारे लोग उस हिस्टोरिक कांग्रेस सेशन ऑफ लाहौर को याद रख पाएंगे, है ना। बैकग्राउंड की बातें सारी, छोटी छोटी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली है क्या ये प्रीएम्बल। सो द नेक्स्ट पॉइंट विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इट इज द एसेंस और समरी ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द एसेंस और समरी ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशन। हम इतने बड़े पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, दुनिया का जो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको यदि एक पेज में समराइज कर देते तो वही समरी थी आपका प्रीएम्बल। ओके, ये समरी है या एसेंस है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, पूरा जिस्ट है, पूरा सार है, पूरा सत्व है, ठीक है, जिस पर हमारा यूं कहें कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो बातें करता है उसको कुछ 10-12 लाइन में हमारा प्रीएम्बल समझा रहा है, ठीक है। एंड इट टेल्स द इंटेंशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की इंटेंशन क्या थी ये बताता है हमारा प्रीएम्बल। क्या इंटेंशन थी, क्या उनका प्रिंसिपल था, क्या फिलॉसफी रही होगी, क्या सोचकर कोई एक पर्टिकुलर प्रोविजन उनने रखा होगा, ये सारी बातों को जानने के लिए प्रीएम्बल समझना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। हमें समझने की कोशिश करनी कि भाई फला फला प्रोविजन यदि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने रखा था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके पीछे का विजडम क्या था, उसके पीछे की फिलॉसफी क्या थी, क्या इंटेंशन रही होगी उनकी, ये समझना है तो हमें प्रीएम्बल को पढ़ना होगा, ठीक है। जब कभी भी कोई कंफ्यूजन होगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को लेकर, कोई एम्बिग्विटी होगी या किसी भी तरह का डाइसी सिचुएशन होगा, तब हम प्रीएम्बल को रेफर करते हैं, ठीक है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है भाई प्रीएम्बल के बारे में। बहुत ही खूबसूरत सी लाइन सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्बल को लेकर कही है, इट इज द की टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द की, ये चाबी है जिससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का क्या माइंडसेट था व्हाइल ड्राफ्टिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बना रहे थे तो क्या उनकी सोच रही होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या इस प्रीएम्बल के इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या इसका मायना है। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड की है ये, या फिर एसेंस है, समरी है, इंटेंशन समझते हैं, कैसे समझते हैं, वो सारी चीजें हम तब जान पाएंगे जब हम प्रीएम्बल के सारे इंग्रेडिएंट्स को तोड़ तोड़ कर जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम अब जानते हैं नेचर ऑफ प्रीएम्बल। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रीएम्बल, इसकी प्रकृति, इसकी प्रवृत्ति, इसका नेचर क्या है। सो द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट सेज, इट नीदर लिमिट्स द पावर
नॉर इट कन्फर्स सब्सटेंटिव पावर टू द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन्स जानते हो, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि इट नीदर लिमिट्स द पावर नॉर इट कन्फर्स द सब्सटेंटिव पावर टू द थ्री ऑर्गन्स। इसको बहुत सिंपल भाषा में ऐसे समझे, ना तो प्रियम्बल किसी को पावर दे रहा है और ना ही प्रियम्बल कोई भी पावर को लिमिट कर रहा है। प्रियम्बल ना तो पावर प्रोवाइड करता है ना ही पावर कम करता है, किसके? तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के। सो प्रिलिमिनरी में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वेदर प्रियम्बल कन्फर्स एनी पावर, सो आंसर इज नो। वेदर प्रियम्बल लिमिट्स एनी पावर, अगेन द आंसर इज नो। ठीक है, तो जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये जो थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, इनको ना तो प्रियम्बल कोई पावर प्रोवाइड कर रहा है ना ही उनको उनके दिए हुए पावर लिमिट कर रहा है। ये पावर्स कहां से आते हैं? ये पावर्स आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए प्रोविजन से। ठीक है, और यदि इन पावर्स को कोई लिमिट करता है तो अगेन दोज आर दी प्रोविजन्स, वे प्रोविजन्स हैं जो पावर देते हैं या फिर पावर्स लिमिट करते हैं, नॉट प्रियम्बल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है प्रोविजन्स प्रिवेल ओवर प्रियम्बल। इसको आप सरल भाषा में ऐसे समझें, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन में, प्रोविजन यानी जो आर्टिकल्स वगैरह हम आगे पढ़ेंगे, किसी आर्टिकल में और प्रियम्बल में किसी तरह का कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है या किसी तरह की एम्बिग्विटी आ रही है। ठीक है, यदि किसी भी तरह की एम्बिग्विटी है, कंफ्यूजन है या फिर एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी प्रोविजन और प्रियम्बल जा रहे हैं, तो कौन प्रिवेल करेगा? प्रोविजन प्रिवेल करेगा, ना कि प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल डोंट ओवरराइड द प्रोविजन्स, बट द प्रोविजन्स ओवरराइड प्रियम्बल। प्रोविजन्स का वेटेज ज्यादा है ओवर प्रियम्बल। ठीक है, यदि कोई भी एम्बिग्विटी होगी या कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग बात होगी प्रोविजन और प्रियम्बल में, तो प्रोविजन प्रिवेल करेगा प्रियम्बल के ऊपर। प्रोविजन को ज्यादा महत्ता दी जाएगी, ज्यादा महत्व, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, ना कि प्रियम्बल को। ठीक है, इसी से डिराइव होता है दूसरा पॉइंट, इट इज नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, दैट इज इट इज नॉट एनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। इसका मतलब यह है कि यदि प्रियम्बल का कोई भी टर्म या प्रियम्बल की कोई भी बात, मान लीजिए फॉलो नहीं हो पा रही है, ठीक है, मान लीजिए प्रियम्बल में दी हुई कोई भी बात फॉलो नहीं हो पा रही है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, आप कोर्ट नहीं जाओगे कि भाई गवर्नमेंट ने प्रियम्बल को फॉलो नहीं किया। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉन जस्टिसिएबल, नॉट एनफोर्सिएबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। इसको आप एक एग्जांपल से समझे, प्रियम्बल में लिखा है कि सभी सिटीजन को जस्टिस प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तीन तरह की जस्टिस बताई है, तो उसमें से एक जस्टिस को हम अभी ले लेते हैं अपने एग्जाम्पल के लिए, इकोनॉमिक जस्टिस। ये बात प्रियम्बल में लिखी हुई है, दैट गवर्नमेंट शैल एंश्योर इकोनॉमिक जस्टिस फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि गवर्नमेंट ऐसे प्रयास करेगी कि लोगों में इकोनॉमिक जस्टिस आए, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी खत्म हो, लोगों में जो इकोनॉमिक डिफरेंस है, हैव्स और हैव नॉट्स का जो डिफरेंस है वो खत्म हो, ऐसा गवर्नमेंट प्रयास करेगी, कोशिश करेगी, ट्राई करेगी। ये बात प्रियम्बल लिख रहा है।
अब मान लीजिए गवर्नमेंट फॉर सम रीजन लोगों की गरीबी नहीं हटा पाती है या नहीं कम कर पाती है, तो क्या आप कोर्ट जा सकते हो कि साहब प्रियम्बल में लिखा है कि गवर्नमेंट को गरीबी हटानी चाहिए, इन्होंने गरीबी नहीं हटाई, तो हम आपके पास कोर्ट में आए हैं, क्या आप जा सकते हैं? आंसर इज नो, यू कांट गो टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ. व्हाई? बिकॉज प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल, नॉन जस्टिसिएबल. ये दोनों टर्म आपको समझ में आए? नॉन जस्टिसिएबल का मतलब ये होता है कि यदि उनका वायलेशन हो तो आप कोर्ट ऑफ लॉ पहुंच जाएं. ठीक है? तो अब आप सोचोगे कि साहब ना तो ये ओवरराइड करता है किसी प्रोविजन को, ना ही ये जस्टिसिएबल है, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में इसके एनफोर्समेंट के लिए हम जा नहीं सकते, प्रिवेल करेगा हमेशा प्रोविजन. तो ये रख क्यों दिया? क्या जरूरत थी एक पन्ना एक्स्ट्रा जोड़ने की, हमारा सिलेबस बढ़ाने के लिए बस इसको रख दिया क्या? नो, ये सिर्फ आपका सिलेबस बढ़ाने के लिए ऐड नहीं हुआ है, ये प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है टू रिमूव एम्बिग्विटी सराउंडिंग द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यदि कोई कंफ्यूजन है, किसी भी तरह की कंफ्यूजन है, किसी भी तरह की क्लैरिटी नहीं बन रही है, एम्बिग्विटी है, कॉन्फ्रंटेशन है, कंट्रास्टिंग है, नहीं समझ में आ रहा, या फिर एक ही वर्ड के दो मायने निकल रहे हैं, दो मीनिंग्स निकल रहे हैं किसी भी एक टर्म के, और समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा मीनिंग ज्यादा अप्रोप्रिएट है, तो ऐसी कंडीशन में उस एम्बिग्विटी को, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए प्रियम्बल का यूज होता है. ठीक है? इट इज यूज्ड टू रिमूव एम्बिग्विटी सराउंडिंग द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये ही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है हमारे प्रियम्बल का, इसलिए इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इंग्रेडिएंट क्या क्या है, इंग्रेडिएंट क्या क्या है हमारे प्रियम्बल के. तो हमारे इंग्रेडिएंट हैं चार. ये चार जो आप देख पा रहे हैं, ये चार इसके इंग्रेडिएंट्स हैं. आइए चारों जानने की कोशिश करते हैं, या मैं ये कह लूं कि पूरा का पूरा प्रियम्बल हमने इन चार चीजों में समराइज करके रख दिया. पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमने समराइज करके रखा प्रियम्बल में, और प्रियम्बल को समराइज करके रख दिया इन चार पॉइंट्स में. ठीक है? आइए देखते हैं कि क्या है ये चार पॉइंट. सो पॉइंट नंबर वन सेज सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा प्रियम्बल बताता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी कौन दे रहा है. ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिल रही है? वो पावर मिलती है वी द पीपल ऑफ इंडिया. द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ आर प्रियम्बल सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया. तो यही पीपल ऑफ इंडिया है अथॉरिटी. ठीक है? ठीक है? अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है पीपल ऑफ इंडिया. फाइन? यस सर. कॉन्स्टिट्यूशन को पावर हम ही लोग दे रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है? कोई ब्रिटिश तो नहीं था, कोई ब्रिटिश से पावर हमको नहीं मिल रहा ना, वाइस रॉय से या रानी से या राजा से या वहां के प्रिंस से, नहीं, सब का सब इंडिया से ही मिल रहा है, इंडियन से ही मिल रहा है. सो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. हमारा जो भारत है, भारत राज्य, द स्टेट ऑफ इंडिया, वो किस तरह का होगा? भाई 15 अगस्त 1947 को कंट्री आजाद हो गई, ब्रिटिशर्स चले गए हमें छोड़कर, अब आगे पूरा देश हमें चलाना है, हमें मतलब हम हिंदुस्तानियों को, हम इंडियंस को, तो ये हमें डिसाइड करना था ना कि हमारी कंट्री किस तरह की होगी, हमारा नेशन किस तरह का होगा, या फिर
स्टेट टर्म यूज करना ज्यादा बेहतर है क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलेगा, हमारे स्टेट का नेचर क्या होगा, कैसा हमारा स्टेट होगा, ये सारी बातें हमारे प्रीएम्बल में ही बता रहा है कि किस तरह का स्टेट हमारा होगा। पांच टर्म्स है सर, पांच टर्म्स है। पहला है सॉवरेन, ये टर्म बार 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 यूज होता है, सॉवरेन। सॉवरेन का सिंपल 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 मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, आप याद कर लो। वी आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड वी आर सुप्रीम इन अवर सेल्फ। इंडियन स्टेट अपने आप में इंडिपेंडेंट है और इंडियन स्टेट अपने आप में सुप्रीम है, किसी की भी इंटरफेरेंस वो अलाउ नहीं करेगा, ना एक्सटर्नल मैटर्स में ना इंटरनल मैटर्स में। ठीक है, ठीक है, सॉवरेन समझ में आया। तो हमारा स्टेट एक सॉवरेन स्टेट होगा, कंप्लीटली इंडिपेंडेंस एंड एब्सोल्यूटली सुप्रीम, दैट इज योर सॉवरेन स्टेट। देन देयर आर टू मोर टर्म्स, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये दो टर्म आप देख पा रहे होंगे और आप देखिए ये दोनों टर्म्स मैंने ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, दिख रहा है ना ब्रैकेट, और एक स्टार वहां पर लगा हुआ है, ये देखिए आप, एक स्टार यहां पर दिख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों टर्म्स जो हैं ये ब्रैकेट में क्यों लिखे हुए हैं और ये स्टार क्यों लगा हुआ है, तो ये स्टार है, ये फुटनोट में दिया हुआ है, एडेड इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये दो टर्म्स जो आप देख पा रहे हो, जो अंडरलाइन है, सोशलिस्ट और सेक्युलर, जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में या ओरिजिनल प्रीएम्बल में नहीं थे। Whether preamble is amendable or not, my answer is yes. प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसने इन दो नए टर्म्स को जोड़ दिया। The word socialist was not there in the original constitution or original preamble. ये नहीं था, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट ने ये टर्म एड किया, ठीक है। तो जब हम बात सोशलिज्म की करते हैं या सोशलिस्ट उसकी करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग की जब कभी हम बात करते हैं, तब वर्ड सोशलिस्ट हम यूज करते हैं, फाइन। ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है या इकोनॉमिक इक्वालिटी है? बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो नहीं है, बट देखिए इकोनॉमिक इक्वालिटी तो हो ही नहीं सकती एब्सोल्युटली, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सबको बराबर बराबर अर्निंग हो जाए, इनकम हो जाए, दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, है ना, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। बट गवर्नमेंट ट्राई टू रिमूव इन इक्वालिटी अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। कुछ बेसिक नेसेसिटीज व्यक्ति की होती हैं, कम से कम उन बेसिक नेसेसिटीज में तो इक्वलिटी आ जाए, कम से कम रोटी सबको नसीब हो जाए, राइट। गवर्नमेंट कैन नॉट एंश्योर पनीर की सब्जी और चिकन विद द रोटी टू एवरीवन, बट गवर्नमेंट इतना तो कोशिश कर सकती है कि हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के लिए कम से कम दो टाइम की रोटी का प्रबंध हो जाए, इतना कोशिश करती है। ये भी शायद कंप्लीटली अचीव कर पाना मुश्किल होता है, बट गवर्नमेंट ट्राइज, ठीक है। समझ में आया ये बात कि सोशलिज्म एक वो प्रिंसिपल है या सोशलिस्टिक गवर्नमेंट उस तरह की गवर्नमेंट होती है जो सोसाइटी में डिस्पैरिटी को कम करने की कोशिश करती है, सोसाइटी में
इन इक्वालिटी को कम करने की कोशिश करती है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी या मिनिमाइजिंग पॉवर्टी करने की कोशिश करती है, और लोगों को बेसिक एमेनिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, ऐसी गवर्नमेंट या ऐसा स्टेट कहलाता है और सोशलिस्ट स्टेट। ठीक है, बात समझ में आई ये वाली, ये टर्म आपके समझ में आया? सोशलिस्ट इज द वर्ड डिराइव फ्रॉम सोशल, सोसाइटी। ठीक है, उस सोसाइटी से आ रहा है ये टर्म। तो गवर्नमेंट इन सब चीजों को कैसे अचीव करने की कोशिश करेगी भाई? अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग से, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज से। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक आधी पॉलिसी बताऊं तो एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इस एक्ट ने कोशिश की कि लोगों को 100 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है, और यदि वो 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है तो उस 100 दिन की मजदूरी उन्हें मिल जाए, कम से कम 100 दिन की। यदि 100 दिन का उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और या 100 दिन की मजदूरी उन्हें मिल रही है तो बाकी के 265 दिन भी वो 2 टाइम रोटी खा सकते हैं। ठीक है ना, 100 दिन के उसमें भी वो ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट ट्राई करती है सोशलिज्म को अचीव करने के लिए, या फिर बेसिक एमेनिटीज को प्रोवाइड करने के लिए, पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, टर्म हम देखते हैं सेक्युलर, खूब न्यूज में रहता है ये टर्म आजकल लगातार। आपने से यदि लोग न्यूज पढ़ते हो या सुनते हो तो ये टर्म बहुत सुना होगा, और यदि आप लोग नहीं पढ़ते और सुनते हैं न्यूज तो स्टार्ट कर दीजिए। व्हाट इज एग्जैक्टली सेक्युलर? देखिए, हमारी कंट्री जो है बड़ी अलग तरह की कंट्री है, पूरी दुनिया में ऐसा आपको दूसरा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पर, क्या पूछिए मत। कोई 8 या 9 अलग अलग टाइप के रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हमारी कंट्री में रहते हैं, 8 या 9 जो भी है ना, काउंट कर लीजिएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ज़ोरोस्टर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे 8-9 अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हमारे यहाँ पर है। इनमें भी मल्टीपल क्लासिफिकेशन है, हिंदुओं में भी कई तरह के क्लासिफिकेशन है, मुस्लिम्स में भी कई तरह के क्लासिफिकेशन है, सिखों में भी, क्रिश्चियंस में भी, जैन, बुद्धिस्ट, जो भी हो। रीजनल क्लासिफिकेशन भी बहुत सारे हैं, नॉर्थ इंडियन हिंदू, साउथ इंडियन हिंदू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तो बड़े रीजन हो गए, और छोटे छोटे रीजनल भी बहुत तरह के क्लासिफिकेशन हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर एक हिस्ट्री भी रही पुरानी, आप याद करें कम्युनल डिवाइड की, कम्युनल टेंशन्स की, और कहीं ना कहीं एक ये भी हिस्ट्री हमारी रही, पीपल वर नॉट हैविंग रिलीजियस राइट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। ठीक है, आपने ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री जिन जिन ने भी पढ़ी या सुनी है, आप ये बात जानते होंगे कि ब्रिटिशर्स के एरा में कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस रिलीजियस फ्रीडम पर भी लगाए गए थे, और इन सब को आप एक तरफ छोड़ दें तो एक सबसे बड़ी चीज जो हुई हमारी हिस्ट्री में वॉज पार्टीशियन ऑफ इंडिया ऑन कम्युनल लाइंस। इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशियन ही कम्युनल लाइन पर हुआ था। ठीक है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के सारे लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए हो। लेट मी बी स्पेसिफिक, देयर आर सो मैनी मुस्लिम पीपल हु चोज टू स्टे बैक इन इंडिया। इनफैक्ट पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में उस समय भी थी और आज भी है। तो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसीज हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर रिलीजन के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और आज से नहीं कई सालों से रह रहे हैं।
और हमारा पड़ोसी देश जो है वो एक बिल्कुल कम्युनल लाइन पर बना हुआ देश है, बिल्कुल रिलीजियस लाइन पर बना हुआ देश है, या यूं कह लूं कि उस कंट्री का एक नेशनल रिलीजन है, दैट इज इस्लाम। इंडिया को ये बात तब भी समझ में आई थी कि हम किसी कम्युनल लाइन पर अपने स्टेट को नहीं बना सकते। ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बहुत अच्छे से समझते थे कि हम कोई एक रिलीजन इस कंट्री का कर ही नहीं सकते। सपोज मेजोरिटी के हिसाब से आप कह रहे हैं कि हिंदुइज्म शुड बी द रिलीजन, तो बाकी के जो कम्युनिटीज के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? वेदर दे शुड मेक देयर अनदर कंट्री, एक और बहुत बहुत सारी फिर आपको कंट्रीज बनानी पड़ जाएंगी। जितने मुस्लिम्स बचे उनके लिए तो चलो आप पाकिस्तान भेज दोगे, जो सिख हैं उनको क्या करोगे, खालिस्तान बनाओगे, जैन होंगे उनके लिए जैनिस्तान बनाओगे, बुद्धिस्ट के लिए बुद्धिस्तान बनाओगे, क्या कितने टुकड़े करोगे कंट्री के? यदि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन हमारे स्टेट का रख देते हो, सो सेक्यूलर सिंपली मीन्स द स्टेट शैल नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। ये बात समझ में आई? स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं होगा। आप देखिए हमारा नेशनल सॉन्ग है, हमारा नेशनल एंथम है, हमारा नेशनल एम्बलम है, लेकिन कोई नेशनल रिलीजन नहीं है हमारे स्टेट का। ठीक है, स्टेट विल बी रिलीजियसली न्यूट्रल, स्टेट रिलीजियसली न्यूट्रल रहेगा, कोई रिलीजन में वो नहीं मानेगा। ठीक है, दैट इज सेक्यूलर। ये बात समझ में आई? इसको हिंदी में कहते हैं धर्म निरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष। धर्म तो एक ब्रॉडर वो हो गया, क्योंकि धर्म तो जैसा हमने कहा कि 7 या 8 धर्म के कुल फॉलोअर हैं, लेकिन पंथ यानी कि क्रीड और ज्यादा हो गई। जैसे हिंदुइज्म में आप देखें तो मल्टीपल क्रीड्स होंगे, शैवाइट्स अलग हैं, वैष्णवाइट्स अलग हैं, शैवाइट में भी बहुत से क्लासिफिकेशन है, वैष्णवाइट्स में कुछ कृष्णाइट्स हैं, कुछ रामाइट्स हैं जो राम की पूजा करते हैं, कुछ कृष्ण की पूजा करते हैं, कुछ शाक्त सेक्ट वाले लोग भी हैं। आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, कि यदि हिंदुइज्म को भी एक मान लोगे तो उसमें भी मल्टीपल वेरिएंट्स हैं। कुछ लोग देवी की पूजा करते हैं, कुछ कृष्ण की पूजा करते हैं, कुछ विष्णु की पूजा करते हैं, कुछ ब्रह्मा की पूजा करते हैं, कुछ किसी और की पूजा करते हैं, इतने सारे गॉड हैं। सेम फिर दूसरे रिलीजन में भी हो जाएगा। सो वी विल बी रिलीजियसली न्यूट्रल स्टेट, इंडियन स्टेट जो होगा, आई एम सॉरी, इंडियन स्टेट जो होगा वो सेक्युलर होगा, दैट इज रिलीजियसली न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल तो आप सभी जानते होंगे ना, किसी भी तरफ नहीं, किसी भी रिलीजन की तरफ नहीं। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि तो साहब फिर लोग क्या करेंगे? स्टेट तो सेक्युलर हो गया, स्टेट तो रिलीजियसली न्यूट्रल हो गया, लोगों का क्या? एंड द सेम इंडियन स्टेट विल गिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू एवरी पर्सन ऑफ इंडिया, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट विल बी रिलीजियसली न्यूट्रल एंड ऑल द सिटीजन ऑफ द स्टेट शैल हैव द रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, आपको भगवान में मानना है, यू आर फ्री टू फॉलो, आपको अल्लाह में मानना है आप मानिए, आपको जीसस को मानना है आप मानिए, आपको महावीर को मानना है आप मानिए, आपको बुद्ध को मानना है मानिए, आप तिलक लगाइए, दाढ़ी रखिए, टोपी पहनिए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, अजान दीजिए, जो करना है आप कर सकते हैं रिलीजियस उसमें, लेकिन इसके भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एब्सोल्युटली इनको एंजॉय कर सकते हो, बट देयर आर रिलीजियस फ्रीडम। मैं आप सभी से पूछूं, क्या आप तिलक लगा सकते हो? लगा सकते हो। घर में घंटी बजा सकते हो? बजा सकते हो। ठीक है, आप मंदिर जा सकते हो, मस्जिद जा सकते हो, चर्च जा सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपके रिलीजियस बिलीफ है आप उनको फॉलो कर सकते हो, उनको प्रमोट कर सकते हो, उनको प्रोपोगेट कर सकते हो। दिस इज सेक्युलर
ठीक है, समझ में आया कि भाई स्टेट रिलीजियसली न्यूट्रल रहेगा और लोगों को रिलीजन की फ्रीडम रहेगी, दिस इज सेक्युलर, ठीक है। द नेक्स्ट टर्म विच इज यूज हियर इज डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। देखिए डेमोक्रेसी, ये टर्म भी बहुत सुना सुना टाइप का लग रहा होगा आपके लिए, कोई पहली बार आप शायद ये टर्म नहीं सुन रहे होंगे। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस टर्म टू यू। इस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बढ़िया बात कही थी यूएसए के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति ने, उनका नाम था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन वॉज दी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ही गेव अ ब्यूटिफुल 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 डेफिनेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक स्टेट और डेमोक्रेसी। ही सेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट विच इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। ऐसी सरकार जो जनता के लिए हो, जनता के द्वारा हो और जनता की ही हो, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। अब आप कहोगे कि ये क्या मतलब बकवास सी बात है। सो इट इज रियली रियली सिंपल। डेमोक्रेटिक स्टेट इज अ स्टेट इन विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अपने रिप्रेजेंटेटिव हम खुद चूज करते हैं, कैसे? वोट देकर, ठीक है, वोट देकर हम अपने जनप्रतिनिधियों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, एमपी, एमएलए, है ना, ये सब हम चूज करते हैं ना, और इवन मेयर, ये सब हम वोट देकर चूज करते हैं डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। सो दैट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक स्टेट वो स्टेट होता है जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चूज करते हैं, ठीक है, और ये रिप्रेजेंटेटिव ही अल्टीमेटली रूल करते हैं या गवर्न करते हैं। दिस इज डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक, एंड दिस इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट कैसा है? डेमोक्रेटिक है। हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हम इलेक्शन से चूज करते हैं, ठीक है। इसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता एक टर्म है, मिलता जुलता है लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं है, दैट इज रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक, रिपब्लिक यानी गणराज्य, गणतंत्र, गण यानी जनता, लोग, ठीक है, लोगों का तंत्र। तो रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक को आप कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। रिपब्लिक एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है। हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। कौन है भाई इंडिया में हेड ऑफ स्टेट? कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, ना कि हेरिडिटरी। हेरिडिटरी हेड नहीं होता जैसे राजशाही में होता था, ठीक है, जैसा मोनार्की में होता था कि भाई राजा और राजा के बाद राजा का बेटा राजा बनेगा। हेड कौन होगा? हेरिडिटरी होगा, आनुवांशिक होगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्टेड होंगे, ना कि हेरिडिटरी होंगे, ठीक है, समझ आ गया। रिपब्लिक बिल्कुल सरल भाषा में। तो ये पांच जो टर्म्स हैं, इन पांचों टर्म को आप याद कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडियन स्टेट कैसा होगा, हमारा स्टेट किस तरह का है। तो सबसे पहली बात है कि हम सॉवरेन हैं, सोशलिस्ट हैं,
सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है, ठीक है। ये पांच टर्म आप याद रखेंगे, कोई भी आपसे पूछे इंडियन स्टेट कैसा है, भारतीय राज्य जो है उसको आप एक्सप्लेन कर दें, तो कुल जमा ये पांच टर्म आप उन्हें बता दें, वही इंडियन स्टेट की डेफिनेशन है, ठीक है। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप कि आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये पांच थे, ये पांच हमारे नंबर में है, ठीक है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट को जो बता रहे हैं, सॉवरनिटी, इट इज द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर ऑफ स्टेट विच इज अनलिमिटेड इन एक्सटेंट, इट मींस कंट्री इज सुप्रीम बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ठीक है। हम अपने इंटरनल अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों पर डिसीजन लेने के लिए सुप्रीम है, किसी से भी हम उसमें हेल्प नहीं मांगेंगे, ऑलराइट, ठीक है। यह है सॉवरनिटी। देन द नेक्स्ट टर्म इज सोशलिस्ट। आप देखिए सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दोनों मैंने रेड कलर में यूज किए, रेड कलर में इस बात को सिग्निफाई कर रहे, किस बात को, 42nd अमेंडमेंट से ये दोनों इंसर्ट किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए मैंने इन्हें रेड कलर में लिखा हुआ है। सो प्लीज 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 रिमेम्बर दीज टू टर्म्स। ये कब ऐड हुए, अक्सर प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछ लेते हैं सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड कब इंसर्ट हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इट वॉज 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। सो सोशलिज्म इज यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। जब गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग करती है तो वो कोशिश करती है कि सोशलिज्म को अचीव करें। एंड व्हाट इज एग्जैक्टली सोशलिज्म, इट एम्स इन अचीविंग आइडियाज लाइक रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, प्रोवाइडिंग बेसिक अमेनिटीज यानी आधारभूत सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं जो कि तीन होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान। सबसे पहले लोगों को रोटी प्रोवाइड करना, दान उनको कपड़े प्रोवाइड करने की कोशिश करना, और यदि पॉसिबल हो जाए तो मकान भी लोगों को देना, सबके पास रहने के लिए घर हो, खाने के लिए रोटी हो, तन ढकने के लिए कपड़ा हो, ये एम है गवर्नमेंट का बाय सोशलिज्म, ठीक है। बट एक ये छोटा सा पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, इंडियन सोशलिज्म इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिज्म। कम्युनिज्म एक तरह का पॉलिटिकल प्रिंसिपल होता है, आप अभी बहुत अंदर उसमें मत जाइए क्योंकि वो एक पॉलिटिकल थ्योरी है। हम अभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि सोशलिज्म को अचीव करने का जो हमारा मीन्स है, जो हमारा वे है, दैट इज डेमोक्रेटिक। हम डेमोक्रेटिक मींस से सोशलिज्म को अचीव करने की कोशिश करते हैं। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला टर्म अगेन जो 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ था, सेक्युलर, इट मींस स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन ऑफ स्टेट, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल देखें पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम, या फिर नेपाल की हम बात करें, एक टाइम तक नेपाल का ऑफिशियल रिलीजन था हिंदुइज्म, बट इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, कोई नेशनल रिलीजन नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि तरह तरह की मान्यताओं वाले लोग, तरह तरह के विश्वास और आस्था वाले लोग हमारे यहाँ रहते हैं, सब बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। सो देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। स्टेट इज रिलीजियसली न्यूट्रल एंड रिस्पेक्ट वेरियस रिलीजन। भैया हमारा खुद का कोई रिलीजन नहीं, लेकिन हम सबका सम्मान बराबर से करते हैं। सम्मान बराबर से करते हैं मतलब सिटीजन आर फ्री टू फॉलो रिलीजन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे इंग्रेडिएंट की तरफ, जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
श्रेया, जो आपका एक क्वेश्चन था कि सर एक बिल्कुल इतने छोटे एक पेज के प्रियम्बल से हम कैसे समझ सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर कैसे हम समझ सकते हैं कि व्हाट वाज द इंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, व्हाट वाज द विजडम, व्हाट वाज द फिलोसफी। तो मैं कहता हूं कि आप सब भूल जाओ, कुल ये चार शब्द याद रख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि व्हाट वाज देयर इंटेंट, व्हाट वाज देयर फिलोसफी, व्हाट वाज देयर विजडम, व्हाट वाज इनटू देयर माइंड। उनके माइंड में कुल चार चीजें थी कि ये चार चीजें इंडियन सिटीजन्स को देना है। कौन सी चार? जस्टिस, इक्वेलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ये चारों आप देखें तो ब्रिटिश रूल के ड्यूरिंग गायब थे, नहीं थे हमारे पास। ना तो जस्टिस मिल रहा था, इक्वेलिटी तो भूल ही जाओ, ना लिबर्टी थी, और फ्रेटर्निटी के तो क्या ही कहने, है ना। हमारा एक ब्लड से लिखा हुआ बहुत ही डार्क इतिहास भी तो है, कम्युनल टेंशन्स का, कम्युनल राइट्स का, है ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी था कि लोगों में भाईचारा भी हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये वाला जो नारा है ये भी इंश्योर करना था। तो कुल ये चार चीजें मेजर ऑब्जेक्टिव थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के। तो ये चार चीजें तो इंडियन सिटीजन्स को इंश्योर कराना ही है। कौन कौन सी? नंबर वन इज जस्टिस, जो कि तीन तरह की जस्टिस बताई है हमारे प्रियम्बल में। जस्टिस ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। दूसरा है इक्वेलिटी, प्रियम्बल में ही आप देख पा रहे होंगे लिखा, पहले पेज पर लिखा था इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तीसरा है लिबर्टी, लिबर्टी पांच तरह की बताई हुई थी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और चौथी बात थी फ्रेटर्निटी, भाईचारा। लेकिन इसको ब्रदरहुड नहीं कहा गया क्योंकि उसमें फिर सिस्टरहुड मिसिंग हो जाता है। सिर्फ ये चार चीजें जो है, ये चार हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थे कॉन्स्टिट्यूशन के, थे नहीं, आज भी यही है। इन चार को इंश्योर करने की कोशिश करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो कि हमारा चौथा इंग्रेडिएंट बनता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेट ऑफ अडॉप्शन भी यही प्रियम्बल बता रहे। सो द डेट वाज 26 जनवरी 1949। ठीक है, इस डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, इसको डेट को आप बहुत अच्छे से याद रख लें। ये डेट नेशनल लॉ डे के रूप में मनाई जाती थी, लेकिन फिर मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद इसको चेंज करके नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से मनाया जाने लगा। ठीक है, ये दोनों डेज आप याद रख लीजिएगा, गलती से कभी एग्जाम में आ जाए। नेशनल लॉ डे कब होता है? दैट इज 26 नवंबर 1949। यदि क्वेश्चन में ये आ जाए नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे कब है, सो इट इज अगेन नवंबर 26, 1949। ठीक है, याद रहेगी ये डेट।